नमस्कार, 2 जुलाई के मुख्य समाचार है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कई रियायतें दी गई है। राज्य में अब दुकानें जहां रात 8 बजे तक खुलेंगी, वहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों के परिचालन की भी अनुमति मिल गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बार और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। यह आदेश 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। महारत्न कंपनी सेल में पे रिवीजन की मांग को लेकर बुधवार को बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी के सभी इकाई में आहूत हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान हड़ताल में शामिल संयंत्र कर्मी व ठेका श्रमिक कार्यस्थल पर गए, परंतु किसी ने अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। हड़ताल सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जो देर शाम 6 बजे तक चलती रही। इस दौरान कंपनी के सभी इकाई में उत्पादन पूरी तरह से ठप रहा। कंपनी का कामकाज बंद होने से सेल प्रबंधन को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्षति हुई है, जिसमें BSL को 50 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हड़ताल के असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेल के 5 प्रमुख इकाई BSL, भिलाई, रोरकेला, दुर्गापुर व इसको बनपुर के अलावा सेलम, चंद्रपुर, एसआयु, कोलियरी, माइंस आदि इकाई में भी काम काज पूरी तरह से प्रभावित रहा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर काफी खतरनाक हो सकती है, इसलिए श्रावणी मेला लगाने पर भविष्य में विचार किया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में पंडा धर्मरक्षिणी सभा के प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर विचार करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 1 सप्ताह का आदेश जारी हो चुकी है, अगले अनलॉक पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने पर विचार किया जाएगा। वहीं तीर्थ पुरोहितों के लिए राहत पैकेज की मांग को गंभीरता से लेते हुए सचिव विनय कुमार चौबे को अविलंब समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए इस पाठ्यक्रम को स्वास्थ्यकर्मियों को आधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कुशल या समर्पित स्वास्थ्यकर्मी कोरोना महामारी या किसी अन्य संक्रामक बीमारी के प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकें। पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी हवाएं चलने से भीषण गर्मी प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि स्काईमेट वेदर रिपोर्ट की माने तो अगले 2 दिनों में यहां थोड़ी राहत देखने को मिलेगी और 1 सप्ताह बाद मानसून की झमाझम बारिश भी शुरू हो जाएगी। इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्से, तेलंगाना समेत अन्य स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। अगर आप इस तरह की खबरें सुनना चाहते हैं तो हमें सहयोग करें। कृपया हमारे चैनल झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि आज हमें 50 सब्सक्राइब मिलेंगे। समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद।